वो आज मुकम्मल हुई और आज इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला महफूज कर लिया। मैं इन 8 सालों की पूरी तफसील तो आपको बता के बोर नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम बल्कि एग्जैक्टली 96 सेशंस हुए स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हुए, एनालिसिस हुआ और तहकीक हुई कि क्या और किस हद तक पार्टी में ममनू ज़राए से पैसे आए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के सामने खुद 96 से ज़्यादा दफ़ा केस की पेशी हुई। आज हम उम्मीद करते हैं कि आखिरी पेशी थी, क्योंकि आज फैसला महफूज कर लिया गया है और वो ये इम्कान है कि अगर कोई मज़ीद वजाहत किसी से भी दरकार हो तो इलेक्शन कमीशन पूछ सकता है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इसका फैसला सामने आएगा। अकबर बाबर साहब की जो इस्तदा थी, जो फाइनल एनालिसिस था, वो मैं आपके सामने मुख्तसर पेश कर देता हूँ। आपको याद होगा कि स्क्रूटनी कमेटी में अकबर बाबर साहब ने अपनी फाइनेंस टीम की मदद से 2.2 अरब रुपए की निशानदेही की थी कि ये वो अमाउंट है, ये वो पैसे हैं जो अकाउंट फॉर नहीं हो पा रहे। तो स्क्रूटनी कमेटी ने इस रिव्यू के बाद इससे कहीं कदर कम रकम आइडेंटिफाई की। जब दोनों पार्टीज़ की तरफ से, तमाम असिस्टिंग पार्टीज़ की तरफ से जो पिक्चर सामने आई, उसकी रोशनी में आज हमने इलेक्शन कमीशन से ये इस्तदा की है कि लगभग $5 मिलियन की मालियत की ऐसी फंडिंग है जो ममनू ज़राए से आई। इसके अलावा 3 लाख से ज़ायद ब्रिटिश पाउंड हैं जो अनअकाउंटेड फॉर हैं, जो ममनू ज़राए से आए। इसके अलावा 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर हैं, 27,000 यूरो हैं और 1,148 मिलियन रुपए हैं। तो ये एक भारी रकम है। तो हमारी ये इस्तदा आज ये रही है कि कम अज़ कम इस हद तक, इन अमाउंट्स तक तो पार्टी को नोटिस और शो कॉज होना चाहिए कि कानून के मुताबिक फिर ये तय पाए कि क्या ये रकम जो है बहक सरकार जब्त होनी है या नहीं। इसके अलावा जो हमारी फाइनल असिस्टेंस रही है कमीशन को कानून को सामने रखते हुए, वो ये रही है कि वो तमाम रुकूम, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अभी मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हो सके, उनकी मज़ीद तहकीक की जाए, यानी कि इनको बाइफरकेट कर दिया जाए जिस अमाउंट तक तो ये तय हो गया है कि ये वाकई अनअकाउंटेड फॉर हैं, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से हैं, तो इनके ऊपर कॉन्फिस्केशन की प्रोसीडिंग्स हो और जो नहीं हुई उसको ख़त्म नहीं कर देना चाहिए, बल्कि उसकी भी मज़ीद तहकीक होनी चाहिए, क्योंकि ये जो काविश है ये किसी एक पार्टी की नहीं है, ये पॉलिटिकल सिस्टम की बेहतरी के लिए है, शफाफियत के लिए है। और Day 1 से अकबर बाबर साहब का यही मौक़िफ़ रहा है कि वो पार्टी में डिसिप्लिन और ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। मैं इस मामले में एक बहुत वाज़े तौर पर एक बात पेश कर देना चाहता हूँ आपके सामने। अकबर साहब ने और ना हमने कभी भी इलेक्शन कमीशन के सामने ये आर्ग्यू नहीं किया कि पार्टी को कालेदम डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये पावर इलेक्शन कमीशन की नहीं है। सो ये वजाहत रहे कि इस प्रोसीडिंग के नतीजे में जो आगे अमल में चीज़ें लाई जा सकती हैं वो यही हैं कि कॉन्फिस्केशन का प्रोसीजर शुरू किया जाए, और अगर किसी ओहदेदार ने, किसी भी पार्टी के ओहदेदार ने, सिर्फ चेयरमैन की बात नहीं हो रही, किसी भी फाइनेंस बोर्ड के या दीगर एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबरान ने पार्टी के, अगर कभी भी इलेक्शन कमीशन को फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन या फॉल्स डिक्लेरेशंस या फॉल्स सर्टिफिकेशंस दी हैं, तो उसकी भी आइडेंटिफिकेशन की जाए और उसके मुताबिक जो कानूनी कार्रवाई है वो इलेक्शन कमीशन उसको परसू करे। तो ये मुख्तसर सा खुलासा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस जदोजहद में, इस रूल ऑफ लॉ की जदोजहद में मज़ीद हम अपना हिस्सा डालेंगे,
मुल्क की बेहतरी की खातिर डालेंगे। इसमें कोई पर्सनल एजेंडा ना पहले दिन था और ना हमने कभी किसी ने भी अपने किसी दिन भी बहस में कोई पर्सनल इशू को लेकर आए हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड है और हम इस ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को ही परसू करते रहे हैं और उम्मीद है कि उसी ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड को सामने रखते हुए जो भी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा हम आप बैठ के उसको रिव्यू करेंगे और उसकी रोशनी में जो भी कानूनी प्रोसीजर है उसको इंशाल्लाह कंसिडर करके आगे फर्दर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों ने बहुत इस केस के साथ निभाया, इतना इतना साल इसको चढ़ाया, हर पेशी पे तशरीफ लाए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू अकबर साहब। अच्छा जी, अच्छा जी, बस ठीक है। मैं थोड़ा साइड पर इनको जगह देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि हमें ये दिन भी देखना नसीब हुआ कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो गया। और मैं आपकी याद दहानी के लिए कि मैं जब ये केस करने निकला था तो मैंने दो रकात नफल पढ़ी थी कि या अल्लाह मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है, मुझे इंसाफ दे, मैं हक पे हूँ, मैं एक बड़े मकसद के लिए ये जद्दोजहद और ये जंग शुरू कर रहा हूँ। तो उम्मीद है, आज भी मैंने दो रकात नफल पढ़ी कि अल्लाह हमें कामयाब करे। इसके बाद मैं सबसे पहले, क्योंकि आज ये आखिरी हेयरिंग थी और फैसला महफूज हुआ, तो मुझ पर यह फ़र्ज़ है कि मैं उन लोगों को रेकग्नाइज़ करूं जिन्होंने इस केस में हमारे शाना बशाना और मुकाबला किया और इंशाल्लाह सुरखरू भी होंगे। सबसे पहले मैं अपने साथ सैयद अहमद हसन शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और उनके जो साथ उनके जो मावन हैं बदर इकबाल चौधरी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। मैं ये इसलिए उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इन्होंने ना सिर्फ एक बहुत आला पैमाने की प्रोफेशनलिज्म दिखाई, आला पैमाने की कमिटमेंट दिखाई, बल्कि इन्हें वकला बरादरी को सुरखरू किया कि हमारे हर शोबे में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने असूल, अपनी कमिटमेंट और अपनी कन्विक्शन की वजह से 8 साल इन्होंने मेरे साथ केस लड़ा। 8 साल में 190 के करीब पेशियाँ हुई कमेटी, स्क्रूटनी कमेटी और इलेक्शन कमीशन मिला के। ये मेरे सामने गवाह हैं, इन्होंने मुझसे एक पैसा चार्ज नहीं किया। मुझ पर इल्ज़ाम आए लेकिन उन्होंने प्रो बोनो तमाम ये पेशियां कभी मिस नहीं की और एक प्रोफेशनलिज्म का हाई स्टैंडर्ड रखा, तो मैं इनका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। और मेरे ख्याल में जब हम सुरखरू होंगे तो कौम का भी इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। साथ ही साथ हमारे साथ जो मेरे साथी हैं, मसन महमूद खान ये खड़े हैं, पहले दिन से हमारे साथ थे, पीटीआई के ये बड़े ज़बरदस्त कारकुन थे। यूसुफ अली जो स्वाबी के हमारे जनरल सेक्रेटरी थे पीटीआई के, इलेक्शन भी लड़े, वो भी हमारे साथ हमेशा सुरखरू रहे। कराची में कमांडर रजा हुसैन शाह साहब जो कराची में हैं लेकिन फाउंडिंग मेंबर हैं, कराची के प्रेसिडेंट भी थे, वो भी हमारे साथ सीसा पिलाई दीवार की तरफ खड़े रहे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एंड हनान न्याजी तो अभी ताज़ा रिक्रूट हैं जो इस काफले में शामिल हुए हैं, बहरहाल इनको मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस रास्ते पे चले। फिर नवीद खान हैं जो धीर से ताल्लुक़ है उनका, ये भी इस काफले में नए नए शामिल हुए हैं लेकिन माशाल्लाह इनकी ऑलरेडी बहुत काविशें हो चुकी हैं और इस काफले को हमने आगे बढ़ाना है। ये मकसद क्या है मैं आपके सामने बयान कर चुका हूँ, अगर मुझे कुछ रह ना जाए तो यासिर या हाँ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे अरसलान वर्दक और मोहम्मद सोहेब साहब आज हैं नहीं, अरसलान वर्दक मौजूद हैं, इन्होंने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाई है, जो कमिटमेंट दिखाई है, 55 घंटे में मैनुअली इन्होंने जिस तरीके से वो ऑडिट किया और 100 पेज की रिपोर्ट बनाई और आज जो प्रेजेंटेशन की, ये बहुत काबिल सताइश है क्योंकि बड़े चैलेंजिंग टाइम्स थे, हम पे बहुत सारे दबाव थे, ऐसे भी दबाव थे जिनको शायद हम आपके सामने बयान नहीं कर सकता। इस तरह मैंने नवीद को शुक्रिया कर दिया। यासिर हैं, आमिर हैं, ये बिलाल हैं, मुजम्मिल हैं, ये तमाम लोग हमने एक काफिला बनाया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद पहले दिन से यही था
कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रोल मॉडल बनाना है, ये वो सियासी जमात बनाना है जो फिर 22 से तकलीद हो बाकी जमातों के लिए। ये केस इसलिए लड़ा गया, इसमें मेरा कोई जाती कोई अना किसी किस्म का कोई और मकसद नहीं था, क्योंकि हमने जब पार्टी बनाई थी तो बड़े लाड और प्यार से बनाई थी। हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन साल इस पार्टी को बनाने में लगा दिए। वो इसलिए नहीं थे कि इमरान खान को हमने वज़ीर आज़म बनाना है, वो इसलिए नहीं थे कि फिर तमाम जो सियासी बुराइयाँ होती हैं वो हम अपनाएं, बल्कि हम बाकियों को भी पीछे छोड़ जाएं, इसलिए नहीं था। आप जब रोल मॉडल बनते हैं तो तब्दीली खुद ब खुद शुरू हो जाती है, खुद ब खुद माशरे में वो तब्दीली आती है। तो हमारी ये पूरी जो तहरीक है, जो तहरीक हमने शुरू की है, जो जंग हमने की है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफ़ा है कि एक सियासी जमात के अपने बानी अराकीन वो इस अहद को लेकर चले कि हमने मिसाल बनना है। एक नाम लेना मैं भूल गया जो पस पर्दा रहे हैं, सईदुल्ला खान नियाजी, जो इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं और जो PTI के फाउंडिंग प्रेसिडेंट है पंजाब के, वो भी हमारे साथ रहे हैं और उनकी भी जो हमें सपोर्ट रही है और जो उन्होंने हमें इंस्पायर किया है, उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। तो ये जो जंग थी, इसमें सबसे जो अहम किरदार अदा किया वो पाकिस्तानी मीडिया का था। जिस तरह वकालत में इन्होंने अपना नाम सुरखरू किया, मेरे नज़दीक मीडिया ने अपने आप को सुरखरू किया। मीडिया पे भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगते हैं, बड़े बड़े गलीज़ किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, लेकिन मीडिया की सपोर्ट के बगैर मैं यहाँ तक कभी पहुँच ही नहीं सकता था, क्योंकि मीडिया ने और ख़ासकर जो प्रोफेशनल मीडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हैं, चाहे वो एंकर्स हैं, उन्होंने जिस तरह प्रोफेशनली इस केस को रिपोर्ट किया, मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूँगा। और ये हमारी स्ट्रेंथ है कि एक वक्त था कि हमें बहुत बुरी तरह से दबाया गया, हम पे पाबंदियाँ लगी, मीडिया पे हमारे ऊपर पाबंदियाँ लगवाई गई, लेकिन उसके बावजूद जो सच्चे प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाई। और ये इस केस में, और इंशाल्लाह मुझे पहले दिन से ये यकीन था, आज भी इंशाल्लाह मैं भरोसे से कहता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तारीखी मौके को नहीं गवाएगा। ये पाकिस्तान की सियासत का काबा किबला बदल सकता है, सबूत उनके पास मौजूद हैं, दलाइल उनके पास मौजूद हैं, बेखौफ और ख़तर हो के ये ना देखें कि ये सियासी जमात का रहनुमा पॉपुलर है या नहीं पॉपुलर, कितना मजबूत है या नहीं मजबूत, इस सियासी जमात की इस वक्त क्या हैसियत है। असूल और आइन और कानून के ऊपर दबंग फैसला दें फुल फोर्स ऑफ द लॉ के तहत, इंशाल्लाह पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी, बाकी जमातें भी खुद ब खुद इसी कटहरे से फिर गुजरना पड़ेगा। और हमें ये सुबह शाम का ये जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में क़ियादत का फुकदान है, ये मसला हल हो जाएगा। जब क्रेडिबल कॉम्पिटेंट क़ियादत सामने आएगी तो पाकिस्तान के माशी मसले, पाकिस्तान के सियासी मसले, पाकिस्तान की जो बुनियाद इस वक्त हमारी हिल रही है वो इस वास्ते कि हमारी मईशत कोलैप्स कर गई है, हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है, और उस खिलवाड़ की वजह पिछले 3.5-4 साल की जो इक्तदार था उसमें बेदर्दी से पाकिस्तान को रौंदा गया है, हमारी मईशत को तबाह किया गया है, लापरवाही की गई है, इरिस्पॉन्सिबल लीडरशिप आई है, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, कोई उस लीडरशिप का एहतसाब नहीं था। उसने अपने आप को एहतसाब से बारातर समझा, एहतसाब अपने घर से शुरू होता है, एहतसाब अपनी सियासी जमात से शुरू होता है। ये अगर ये प्रिंसिपल साबित हो गया और लागू हो गया, पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी और इंशाल्लाह हमारे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद बन जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि सबके लिए कानून एक है, सबके लिए बराबर है, सिर्फ लागू करने की देर है। आप लागू करेंगे, नई ट्रेडिशन सेट होगी और इंशाल्लाह पाकिस्तानी सियासत जो इस वक्त मायूसी का शिकार है, कराची में बाय इलेक्शन हुए, 8% आबादी ने वोट दिया वोटर्स लिस्ट में से, ये नाउमीदी है, हमने इस नाउमीदी को बदलना है, हमने लोगों को उम्मीद दिलाना है कि यहाँ पे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वर्कर मेरिट पे पार्टी के अंदर ऊपर आ सकते हैं, लीडरशिप रोल अपना सकते हैं और इलेक्ट भी हो सकते हैं आवाम के जोर से। ये वो तब्दीली है जिसके लिए हमने सफ़र शुरू किया था और ये सफ़र जारी है। बहुत शुक्रिया। आप क्या समझते हैं कि उनके जो फंड हैं, ममनूआ फंड, उनको
मतलब जब्त किया जाए या पार्टी की तरफ कार्रवाई, पार्टी को बैन किया जाए, क्या समझते हैं? देखिए, मैं इस सवाल का जवाब पहले दे चुका हूं, मैं तफसील से आपके सामने दोबारा दे देता हूं, वकील साहब ने भी इसका जवाब दिया है। हमारा मकसद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाना नहीं था, ये पहले दिन से मैं आपके सामने कह रहा हूं, क्योंकि सियासी जमातें जमहूरियत के पिलर्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, फाउंडेशन होती हैं, इस पर जमहूरियत जो है सियासी जमातों पर इंसार करती है। अच्छी जमहूरियत है तो सियासी जमातें फाल हैं, कानून के नीचे हैं, लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर वो जमहूरियत रॉट करती है, जैसा कि पाकिस्तान में हुआ कि पाकिस्तान की जमहूरियत में मेरे नज़दीक और भी वजूहत थी, और भी इंटरफेरेंस थी, और भी बहुत सारे मामला थे, लेकिन एक बुनियादी वजह थी कि जमहूरी सियासी जमातें इदारा ना बन सकी। तो हमारा पहला मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम इस पर पाबंदी लगाएं, हमारा पहले दिन से ये मकसद था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इदारा बनाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो काली भेड़े हैं उनको निकाला जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मामलात हैं, फाइनेंसेस जो हैं, उसको कानून के नीचे लाया जाए। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, हम इसको मजबूत करना चाहते थे, हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन अपने कवानीन और जो पाकिस्तान के कवानीन हैं उनको भरपूर अंदाज में लागू करे। तो हम ये चाहते हैं कि अगर ये साबित हो जाए कि पार्टी के चेयरमैन जो हैं उन्होंने गलत सर्टिफिकेट जारी किए हैं, जो कि हम दावा करते हैं सबूतों की बुनियाद पे, तो जो कानून है वो लागू करें। अगर पीटीआई का फाइनेंस बोर्ड जो है उन्होंने इन फाइनेंशियल इररेगुलरिटीज़ में अपना हिस्सा अदा किया, चार मुलाजमीन को इजाज़त दी, उसमें पैसा आया हुंडी के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, और वो चीज़ें साबित होती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि ये जमात जो है ये शख्सियात से आज़ाद हो, ये एक इदारा बने, और फिर उसके बाद हम इसको एक तवाना इदारा बन के फिर लोगों के पास जाएंगे, फिर हम लोगों के सामने और सियासी जमातों के अमाल रखेंगे। और मैं ये कहता चलूं कि हमारी जो जमहूरियत है, आज मुझे मौका है इसलिए इजाज़त दें, हमारी जो दुनिया की मुस्तरद जो जमहूरियतें हैं वहाँ पे इलेक्शन से अगले इलेक्शन तक काम किया जाता है, मेहनत की जाती है, कॉम्पिटेंस को लाया जाता है, इकोनॉमी को तरक्की दी जाती है, गवर्नेंस को मजबूत किया जाता है। ये सुबह शाम की जो इंतशार की सियासत है, ये जो फैशिस्ट टेंडेंसीज है, इदारों को गिराने की कोशिश, अवाम के सामने और अवाम को और इदारों को आमने सामने लाना, ये तबाह कुन सियासत है। हमें अपनी इसलाह करनी चाहिए, और इलेक्शन से तीन महीने पहले जो तनकीद आप कर सकते हैं मुखालफीन पे करें, लेकिन बाकी जो वक्त होता है उसमें तामीरी सियासत करें। और ये अगर सियासी जमात ऑर्गेनाइज होगी तो इंशाल्लाह हम इसको इसी राह पे डालेंगे। बहुत शुक्रिया।